हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। हर वीक की तरह लास्ट वीक भी मेरे बताए हुए लेवल्स ने परफेक्टली वर्क किया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेडिंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और आने वाले वीक में बजट है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, तो जो ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आने वाले वीक के साथ साथ आने वाले कुछ समय के लिए कौन से लेवल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है, उन लेवल्स को इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो पहले हम लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं और उसके बाद में कुछ टेक्निकल्स देख लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स में शेयर करूंगा। तो पहले देख लेते हैं लास्ट वीक में जो लेवल्स मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बताए थे उन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का रिएक्शन दिया है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने 17,450 का सपोर्ट बताया था और आपको बताया था अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो इसके नीचे निफ्टी 17,200 तक फिसल सकता है। और आप देख सकते हैं इस लेवल पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद में निफ्टी ने 17,200 के लेवल को टच किया और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और भी ज़्यादा कंटिन्यू हुआ और निफ्टी में बहुत ही अच्छी डाउन साइड रैली देखने को मिली। उसके बाद आप ट्यूजडे को देख सकते हैं, ट्यूजडे को निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास रिवर्स किया और वहां से भी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। और जब निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया तो वहां से निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में थर्सडे को निफ्टी ने किसी भी लेवल को टच नहीं किया, इसलिए किसी भी तरह का ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। और उसके बाद फ्राइडे को आप देख सकते हैं निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिया और वहां से अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में हमें पूरे वीक ट्रेडिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। निफ्टी के बाद आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 37,140 का बहुत बड़ा सपोर्ट बताया था और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया और उसके नीचे जो मैंने टारगेट बताया था 36,440 का, उस लेवल को बैंक निफ्टी ने मंडे को ही टच कर दिया। और आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स किया और वहाँ से अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिली। और उसके बाद आप ट्यूजडे को भी देख सकते हैं, ट्यूजडे को भी बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से अच्छी रैली देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने फिर से 37,140 के सपोर्ट लेवल को टच किया। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया तो बैंक निफ्टी में फिर से बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। और थर्सडे को बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से बैंक निफ्टी में बाइंग ट्रिगर हुआ था और उसके बाद वहां से बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। और फ्राइडे को फिर से बैंक निफ्टी ने जब इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया तो उसके बाद में अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं पूरे वीक बैंक निफ्टी ने बहुत सारी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दी है और उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये तो होगी लास्ट वीक की बात। अब नेक्स्ट वीक के लेवल्स बताने से पहले मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं जिसकी मदद से आपको आने वाले टाइम के लिए मार्केट का एनालिसिस करने में आसानी होगी। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और मैंने आपसे पहले भी अपने सोशल मीडिया में शेयर किया था कि निफ्टी ने वीकली चार्ट में अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और जिस समय निफ्टी इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट कर रहा था तब भी मैंने सोशल मीडिया में अपडेट किया था कि इस लेवल के आसपास मार्केट में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। और आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप टाइप की पैटर्न बनाई है। और अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाई है और इस तरह की पैटर्न निफ्टी ने पहले भी एक बार बनाई थी, उसके बाद में निफ्टी में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। और आप देख सकते हैं लास्ट वीक भी इसी रीजन से मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो निफ्टी का वीकली चार्ट क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर इसमें बहुत ही अच्छा करेक्शन आ सकता है। और अगर निफ्टी अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक करता है तो यहाँ से निफ्टी में बहुत ही शार्प सेलिंग एक्टिव हो जाएगी। और अगर हम निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो आप देख सकते हैं 15,986 का लेवल, ये लेवल 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी में इस लेवल तक करेक्शन आ सकता है। और अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 15,500 से लेके 15,900 का जो रेंज है, इस रेंज पर निफ्टी बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था और उसके बाद वहां से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये लेवल चार्ट के हिसाब से भी एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। और जब भी किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में डबल टॉप से रिवर्सल आता है
तो वह अपने सपोर्ट के आसपास ही सपोर्ट लेता है। अगर इस सपोर्ट रेंज के नीचे निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो आने वाले टाइम में निफ्टी 14,366 के लेवल को भी टच कर सकता है। और आप देख सकते हैं 14,366 के आसपास निफ्टी ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया है और इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया है, तो ये लेवल भी आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के आसपास आप निफ्टी में अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने जब रिवर्सल दिया है तो निफ्टी ने वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, यहाँ पे निफ्टी ने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, यहाँ पे निफ्टी ने फिर से बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी निफ्टी ने डेली चार्ट के अंदर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। लेकिन जब भी निफ्टी में बाउंस बैक आया है तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह की पैटर्न नहीं बनी है। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में सेलिंग प्रेशर रहेगा। और अगर बजट की वजह से या फिर किसी और न्यूज की वजह से अगर मार्केट में अपसाइड रैली देखने को मिलती है तो जब भी मार्केट वहां से रिवर्स करता है तो आप वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी के चार्ट के हिसाब से मार्केट सेल ऑन राइज है। और यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूं उसका मेन मोटिव सिर्फ नॉलेज शेयर करना है, इसलिए आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग डिसीजन इस वीडियो को देखकर ना लें। जो भी डिसीजन आपको लेना है आप वो डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से लीजिए, क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी और मैं या मेरा चैनल इसमें किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है आप सबके साथ नॉलेज शेयरिंग करना, किस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं, किस तरह से चार्ट की पैटर्न देख सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो मेरा अपना व्यूज है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जिस तरह से बता रहा हूं मार्केट उसी तरह से चलेगा, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट के लिए किसी के बात की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस वीडियो की मदद से मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिसकी मदद से आपको चार्ट को देखने में, चार्ट को रीडिंग करने में आसानी हो सकती है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और अगर आप बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपने 23.6% की रिट्रेसमेंट लेवल जो 35,761 है उस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट किया है, उस लेवल को ब्रेक किया है और उसके बाद वहां से बाउंस किया है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से ज्यादा वीक है। और अगर बैंक निफ्टी 35,761 के इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे में बैंक निफ्टी 32,000 तक के लेवल को टच कर सकता है। और अगर आप ये लेटेस्ट कैंडल देखेंगे तो लेटेस्ट वीक में बैंक निफ्टी ने डोजी पैटर्न बनाई है, जो यह इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी का चार्ट करंटली इनडिसिसिव है और आने वाले टाइम में जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड ज्यादा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इसके अंदर अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड रैली आई थी उसके बाद वहां से रिवर्सल आया था, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 61% के आसपास रिवर्सल लिया है जो लेवल है 38,845 और इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर आया था। तो आने वाले टाइम में 38,845 का लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड मूव कंटिन्यू कर सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए आप 38,850 के लेवल को खास वाच रखिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेक्स्ट वीक में बजट है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप किसी भी तरह की बाइंग पोजीशन में एंट्री मत कीजिए। तो ये लेवल आने वाले कुछ वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशन मैंने चार्ट्स में देखे थे इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पर फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। आने वाले वीक में निफ्टी के लिए 17,260 का लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 50 में क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में निफ्टी 17,515 तक चला जाएगा और 17,515 का लेवल आने वाले वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,260 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी 17,515 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर 15 में क्लोजिंग देता है तो आपको किसी भी तरह की शॉर्ट पोजीशन में एंट्री नहीं लेनी है। जब तक निफ्टी 17,515 के ऊपर रहेगा तब तक आप उसमें
किसी भी तरह की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए, क्योंकि इसके ऊपर निफ्टी में बहुत ही साफ शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और फिर ऊपर में निफ्टी 18,000 तक के लेवल को भी टच कर सकता है। और अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी को 17,260 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,950 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 16,950 ये लेवल आने वाले वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस केबल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में निफ्टी 16,690 तक फिसल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 16,950 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहां से रिवर्स करता है और ऊपर में निफ्टी 17,260 के लेवल पर टच करने की कोशिश करेगा और 16,660 से लेके 16,690 का लेवल, ये लेवल आने वाले वीक में एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो आपको किसी भी तरह की लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इस लेवल के नीचे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और इसके नीचे निफ्टी में 15,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी 16,660 से लेके 16,690 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहां से रिवर्स करता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी 16,950 के लेवल को फिर से टच करने की कोशिश करेगा। और आने वाले वीक में बजट है इसलिए मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट के डाटा को देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो कॉल का मैक्स ओपन इंटरेस्ट है वो 19,000 की स्ट्राइक प्राइस में है और जो मैक्स पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 15,100 की स्ट्राइक प्राइस पर है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं मैक्स कॉल का ओपन इंटरेस्ट 42,500 के लेवल पर है और मैक्स पुट का ओपन इंटरेस्ट 36,000 के लेवल पर है। तो ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि आने वाले वीक में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसलिए आप किसी भी तरह का ट्रेड लीजिए तो पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट के साथ लीजिए, वरना एक गलत ट्रेड आपके सभी प्रॉफिट को आपके हाथ से छीन लेगा। तो निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आने वाले वीक के लिए 38,120 का लेवल बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में बैंक निफ्टी 38,800 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 38,120 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 37,260 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। अगर बैंक निफ्टी 37,260 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग करता है इसके नीचे तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 36,580 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 37,260 के लेवल से सपोर्ट लेता है और यहां से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 38,110 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा और 36,580 का लेवल, ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के नीचे आपको किसी भी तरह के लॉन्ग पोजिशन में एंट्री नहीं लेनी है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहां से रिवर्स करता है तो आप इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तब तक आपको किसी भी तरह की लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। जब बैंक निफ्टी रिवर्स करके इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है उसके बाद ही आप उसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ऊपर में 38,800 का लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेता है और यहां से रिवर्स करता है तो आप उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक आप उसमें किसी भी तरह की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए, क्योंकि इसके ऊपर बैंक निफ्टी में बहुत ही साफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए आप 38,800 के ऊपर किसी भी तरह की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री मत करिए। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद में जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो ही आप इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 38,800 के ऊपर। तो आने वाले वीक के लिए आप इन चारों लेवल पर खास बात रखिए, 38,800, 38,120, 37,260 और 36,580। इन लेवल्स को आपको 15 मिनट के चार्ट में ट्रैक करना है, कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट के चार्ट में क्लोजिंग का वेट करना है और जिस सेट ब्रेकआउट आता है उसी सेट में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और जिन ट्रेडर्स को मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखकर पैनिक आता है ऐसे ट्रेडर्स
नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में ट्रेडिंग करना अवॉइड करिए, क्योंकि आने वाले वीक में मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ उसकी मदद से मार्केट का एनालिसिस करने में और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में ट्रेडर्स को हेल्प हो रही है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली लेवल्स मैं हर वीक आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, आशा करता हूँ उन लेवल की मदद से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को मार्केट की डायरेक्शन को समझने में और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखने में आसानी हो रही है। और अगर आपको मेरे बताए हुए लेवल्स पसंद आ रहे हैं और जो एनालिसिस मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, जो नॉलेज शेयर करता हूँ, वो सब आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे ट्रेडर को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो सके और उनकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। और मार्च मंथ में ट्रेनिंग होने वाली है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, और ये ट्रेनिंग बहुत सारे वे में यूनिक है। इस ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने सोशल मीडिया में शेयर करता रहता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से इस ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ट्रेडर इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं। जब भी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं अपने सोशल मीडिया में अपडेट करूंगा, तो आप मुझे सोशल मीडिया में जरूर फॉलो करिए, वहां से आपको इस ट्रेनिंग से रिलेटेड बाकी जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।